क्या मार्केट में आप रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मार्केट में आपका कम से कम लॉस एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो? आज की वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, 3 स्टेप गाइड बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कभी लॉस ही नहीं होगा, बट अगर आपने इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपके मार्केट में कम से कम लॉस एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, बस आपको इनको फॉलो करना है। सो मेरा नाम है रोहित और मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, डेली ट्रेडिंग वीडियोस के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा यूज 1 ट्रेडिंग सिस्टम ओनली। मैं ये नहीं कह रहा आपको 10 ट्रेडिंग सिस्टम बनाने, अगर आप बिगनर स्टेट में हैं तो आपके लिए जोन सी चीज सुटेबल है आप उसमें ट्रेड कीजिए, या आप प्राइस एक्शन में ट्रेड कीजिए, या आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, या आप वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। जो चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जो आपको अच्छा से मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे रही है, आप उस चीज में ट्रेड कीजिए। मैं देखिए, पता है बिगनर लोग क्या करते हैं, कोई यूट्यूबर इसमें ट्रेड कर रहा है तो वो भी उसमें ही प्लान करते हैं, कोई ट्रेडर 5 मिनट की कैंडल के बेस में ट्रेडिंग करता है तो उसको सीखते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है एंड जो नॉलेज को कंज्यूम करने वाले हैं वो लोग कम है। ठीक है, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आपको एक मेंटर चूज करना है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे किसी का कोर्स ले रखा हो आपने, अगर आप उनका ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उनपे हमेशा अपना कुछ एड ऑन करना है। मार्केट में आपको मतलब कुछ अपनी जर्नलिंग करनी है कि आप कैसे इंप्रूव कर पाए एंड किसी पे डिपेंड ना बने। ठीक है गाइस, मैं होप आशा करता हूँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यूज 1 ट्रेडिंग सिस्टम एंड उसमें ही इंप्रूव करना है। उस ट्रेडिंग सिस्टम से भले आपको 3 दिन लॉस हो, 4th दिन आपको ट्रेडिंग सिस्टम चेंज नहीं करना है। आपको एक होता है, जैसे एक ट्रेडिंग सिस्टम में आप 80% बिलीव करते हैं तो सेकंड वाले में 30%, तो आप अगर दो का ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे कभी कभार थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप बिगनर स्टेज में है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ पाए सो आप इसमें काफी अच्छा एक्यूरेट एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सारा गेम है वो एक्यूरेसी का है। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऑलराइट गाइस जैसा भी आप देख सकते हो हम मार्केट के लाइव चार्ट में आ चुके हैं। सो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मैं पर्सनली कौन सी चीजें, मैं कौन सा सेटअप यूज करता हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्केट में बताता हूँ मैं इंडिकेटर कौन सा यूज करता हूँ। मैं वॉल्यूम बहुत कम यूज करता हूँ स्टार्टिंग एज से ही। जब मैं स्टार्टिंग बिगिनर था तब मैं वॉल्यूम का इस्तेमाल करता था, बट टाइम के साथ साथ मैंने वॉल्यूम का यूज करना बंद कर दिया। अभी आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके से पैनिक सेलिंग आ रही है। ये मार्केट अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है, इस पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इस वाले मार्केट में हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी, क्योंकि ये कौन सा मार्केट था, ये न्यूज बेस्ड मार्केट था। बट चलो ये तो थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक वाली बात है। सो मैं मार्केट में सबसे पहले किस इंडिकेटर का यूज करता हूँ और इसको किस परसेंटेज में हम यूज करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में मैं EMA का मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज में रखता हूँ 52 में। ठीक है, मेरे को मार्केट का एक ट्रेंड पता करने में मदद करती है, इसके अलावा मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इसमें मैं कितना बिलीव करता हूँ, मैं इस पर 30% तक बिलीव करता हूँ। दूसरा, मैं मार्केट की किस पे काम करता हूँ, मार्केट की साइकोलॉजी में मैं 80% तक बिलीव करता हूँ। कैंडलस्टिक, हम मार्केट में कैंडलस्टिक पैसे इसमें ट्रेड नहीं करते गाइस, हम मार्केट में करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट में ट्रेड। मार्केट क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड बनाते हैं। ठीक है गाइस, सो मैं पर्सनल बेस में इस स्टाइल में ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं मार्केट में करता हूँ SL हंटिंग में काम, मार्केट के प्रीवियस डेटा में काम। अब देखो, मैंने यहाँ ट्रेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मार्केट में एक काफ़ी अच्छा मैं पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। एंगल इस टाइप के पैटर्न को कुछ बोलते हैं, ये मार्केट में बन रहा था। सो मार्केट ने यहाँ से अपना क्या कहते हैं हायर लाई बनाया। सो इसको देखते हुए मार्केट के फॉल होने के हैवली चांसेस थे, बट मार्केट में ऊपर साइड हमारे पास काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी, तो हमने बाइंग साइड का थोड़ा अपना सेटअप बनाया था, बट हमें सेटअप नहीं मिला तो हमने कुछ ट्रेड नहीं लिया। ठीक है गाइज, सो ये बातें हैं, हम इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, यूज 1 ट्रेडिंग सिस्टम। आप किसी और के ट्रेडिंग सिस्टम से इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने आप में बिलीव करिए, क्योंकि मार्केट को कोई मशीन नहीं चला रही है, मार्केट को एक इंसान ही ऑपरेट करता है। अब बढ़ते हैं हमारा दूसरा टॉपिक में, थिंक बिफोर यू एंटर इन योर ट्रेड। आपको हमेशा अपनी ट्रेड में घुसने से पहले एक बार सोचना है कि मैं इस ट्रेड में क्यों घुस रहा हूँ, मीनिंग आपको अपने ट्रेड का वाय पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, आप एक बार कॉल पुट बटन प्रेस करने से पहले एक बार सोचिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एंड उस पे घुसने से पहले आपको मार्केट में अपना
प्रॉफिट नहीं अपना लॉस पता रहना चाहिए कि वो मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है कि मार्केट में अपना एसएल पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है गाइस, दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप इस पॉइंट का मैं अभी आपको बेनिफिट बताता हूँ, इस पॉइंट से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आपका मार्केट में वाय पता होगा सो आपका जब उस ट्रेड में लॉस होगा बाय चांस सो आप को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अपनी ट्रेड में एक अपनी एनालिटिक्स बेस करके इंटर हुए थे एंड आपने उस पे प्रॉपर अपना लॉस डिसाइड कर रखा था। हिट भी हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप बिना इन, क्योंकि एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है और एक गैम्बलर में क्या फर्क होता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसको अपनी मऊ मार्केट के पीछे पीछे चलता है, मऊ मार्केट को बोलता है आप आगे चलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं, और एक गैम्बलर होता है वो मार्केट में पहले एंट्री करता है देन वो मार्केट को मार्केट के भरोसे छोड़ देता है एंड उसका लॉस होता है तो दुखी हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है बाय चांस तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वाला स्टेप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं प्रॉफिटेबल ट्रेडर या रिस्क फ्री ट्रेडिंग करने का, ठीक है। जो हमारा थर्ड है, यूज 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं इसके पहले आपको मैं इसके फायदे बताता हूँ। सबसे पहला, आप मार्केट में ओवर रेजिंग करने से बचेंगे। दूसरा, आप मार्केट में वन ट्रेड लेंगे। तीसरा, आप मार्केट में ओवर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आप मार्केट में जितना आपको प्रॉफिट होगा उतना आप लेके जाएंगे एंड जितना आपको लॉस होगा उतना ही आप लॉस लेके जाएंगे, तो इससे आपको दोबारा एंट्री बनाने का मार्केट में मन नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलती हो जाती है देखो ट्रेड में, सो जब आप अपनी एंट्री से 80% तक एक्यूरेट हो जाए कि यार इस ट्रेड में मेरा लॉस है सो आप लॉस काट के चलिए। रिस्क मैनेजमेंट 1:1 बहुत बड़ी क्लास है, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि अगले संडे को मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, सो उसमें आपको बहुत अच्छे से मैं आपको डीपली समझाऊंगा। सो अभी की वीडियो के लिए मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ कि यूज़ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि इसके आप सोच भी नहीं सकते कितने अच्छे अच्छे बेनिफिशियल हैं और इसको भी यूज़ करने की बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक टेक्निक होती है मार्केट में। तो आपको इसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका इससे जहाँ ज़्यादा पैसा कटेगा उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि जब हम टारगेट ओवर अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मार्केट हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है एंड टारगेट से अगर हम कम लॉस बुक कर लेते हैं तो हमारे अंदर ओवर ट्रेडिंग करने की, एक और ट्रेड में घुसने की लालच आ जाता है, फिर वो हमारा लॉस डबल, डबल का ट्रिपल, ट्रिपल का चौपल कब होता है हमें पता नहीं लगता है। देन ये मार्केट का काफ़ी अच्छा गेम है, ठीक है गाइस, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं समझा पाऊँगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।